नमस्ते। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं कि अपने कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी को हम बढ़ा के या वर्चुअल रैम को हम बढ़ा के अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस में हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं। पहला सवाल ये है कि वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, जब आपके कंप्यूटर में जो रैम होती है, जैसे कि किसी के 1 GB, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 8, सब कंप्यूटर में अलग अलग रैम होती है। जब आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रन करते हैं तो आपकी रैम पे अगर लोड बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में वर्चुअल मेमोरी आपकी रैम के साथ जुड़ जाती है और वो जो बढ़ा हुआ आपकी रैम पे लोड है वो वर्चुअल मेमोरी फ्री करने में, उसे खाली करने में मदद करती है, जिससे आपकी रैम जो है वो फ्री हो जाती है और बाकी का टास्क जो होता है आप करते हैं उसे आसानी से पूरा कर सकती है, यानी कि वो आपकी रैम की परफॉर्मेंस बढ़ा देती है। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्चुअल मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में अगर वर्चुअल मेमोरी जो होती है उसे इंक्रीज कर देंगे तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि वर्चुअल मेमोरी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आप ये जो कंप्यूटर फोल्डर है इस पर राइट क्लिक कर दें और प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर दें। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरी 2 GB रैम है, आपके किसी के 3 होगी, किसी के 4, किसी के 1 GB। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर क्लिक कर दें और यहाँ पर एडवांस टैब पर क्लिक करें। जब आप यहाँ पे एडवांस टैब पर क्लिक कर देंगे तो आप ये परफॉर्मेंस है इसमें यहाँ पे आगे सेटिंग्स पर क्लिक कर दें, उसके बाद आप यहाँ पर वापस एडवांस पर क्लिक कर दें, उसके बाद आप यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये चेक किया हुआ है ऑटोमेटिकली मैनेज पेनिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइवर्स। आप यहाँ से इसे चेक का निशान ये यहाँ से हटा दें, उसके बाद यहाँ पर कस्टम साइज पर क्लिक कर दें। अब आपको यहाँ पर अपनी आवश्यकता अनुसार वर्चुअल मेमोरी डालनी होगी जो आप डालना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो टोटल पेनिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव्स मिनिमम जो चाहिए वो है 16 MB। कंप्यूटर आपको रिकमेंडेड करता है 3057 MB और जो करंटली लोकेटेड है वो 2038 MB, यानी कि मेरी रैम 2 GB। आप यहाँ पर थोड़ी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी रैम 1 GB है तो आप उसकी यहाँ पर 1.5 गुना डाल दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर जो मेरी रैम है उसका 1.5 गुना वर्चुअल मेमोरी के रूप में डाल देते हैं। वो कैसे करेंगे हम, उसके लिए आप कैलकुलेटर ओपन कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मेरी रैम 2 GB है तो 1 GB में 1024 यानी कि 1024 MB रैम होती है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2048 MB मेरी रैम हो गई, मेगाबाइट रैम हो गई। अब जैसे मुझे इसकी 1.5 गुना करनी है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से और जो आएगा 3072 यानी कि 3072 वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पर 3072 टाइप कर दूंगा और यहाँ पर भी 3072 टाइप कर दूंगा, उसके बाद सेट पर क्लिक कर दें और ओके कर दें। अब आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, ये बोल रहा है कि अगर आप इस सेटिंग को अफेक्ट में लाना चाहते हैं यानी कि लागू करना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें, उसके बाद अप्लाई कर दें और ओके कर दें और यहाँ से विंडो क्लोज कर दें। तो इस प्रकार आप आपके कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी बढ़ा सकते हैं और अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। हमारे बाकी के वीडियोस देखने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिखाई गई लिंक पर क्लिक करें और हमारे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन ईमेल द्वारा प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।